माइनक्राफ्ट की जो वन ऑफ द एक्साइटिंग चीजें हैं उनमें से एक आता है माइनक्राफ्ट के फ्रीक्वेंट अपडेट। ऐसा अगर तुम्हें नहीं पता तो अभी तक हम खेल रहे थे माइनक्राफ्ट 1.20 वर्जन में। इसमें बहुत सारी नई चीजें आई थी एंड हमने बहुत सारी नई चीजें डिस्कवर भी की, बहुत सारे नए ब्लॉक्स, बहुत सारे नए स्ट्रक्चर्स। खैर नए स्ट्रक्चर्स तो नहीं आए बट यार बहुत सारी डिफरेंट चीजें आई थी। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर एन एक्साइटिंग माइनक्राफ्ट 1.21 वर्जन। एंड आज हम वही एक्साइटिंग चीजें देखने वाले हैं जो माइनक्राफ्ट 1.21 वर्जन में आने वाली है। सो यस, ये वाला वर्जन अभी ऑफिशियली रोल आउट नहीं हुआ है, ये अभी ऑफिशियली बस अनाउंस हुआ है, लेकिन इसकी बहुत सारी मजेदार चीजें मुझे पता चल चुकी है जो कि मैं तुम्हें अभी बताऊंगा। एंड सच बताऊं तो कुछ चीजें इसमें से बहुत ज्यादा अनबिलीवेबल है कि माइनक्राफ्ट ने ये क्या ला दिया अपडेट में। तो यस लेट्स गो, शुरू करते हैं देखनी एक्साइटिंग थिंग्स इन द न्यूएस्ट अपडेट 1.21। ऑलराइट, तो जो सबसे पहली चीज है वो ही एकदम धमाकेदार और एक्साइटिंग है जो कि है हमें माइनक्राफ्ट 1.21 में एक नया स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। एंड यस, इस स्ट्रक्चर का नाम होने वाला है ट्रायल चेंबर्स। तो मैं पहले तुम्हें उस स्ट्रक्चर पे लेके जाता हूँ एंड पहले उसके अंदर जो एक्साइटिंग चीजें हैं वो दिखाता हूँ, फिर उसके बारे में और बातें करेंगे। ऑल राइट, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ लोकेट स्ट्रक्चर, अरे स्ट्रक्चर यार, एंड अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ट्रायल, यहाँ पे ट्रायल रूइंस एंड ट्रायल चेंबर्स हैं। ओके, ट्रायल रूइंस का नहीं पता था मुझे, बट हम पहले ट्रायल चेंबर्स पे जाएंगे। यस, दिस इज द मेन स्ट्रक्चर। एंड अगर मैं इसे लोकेट करूँ तो ये बस पास में ही है। हैं, क्या बात कर रहे हो। और मैं फटाफट आऊंगा यहाँ पे टीपी। यो, ये रहा वो ब्रो। So this is the new structure जो आने वाला है 1.21 में। And सिर्फ ये structure ही मजेदार चीज नहीं है, इसके अंदर जो जो चीजें हैं मैं तुम्हें वो दिखाता हूँ। So सबसे पहले ये वाला structure mainly based off होने वाला है copper की चीजों से। Finally इन्होंने copper की चीजें use में लाई। And इस वाले structure में तुम्हें एक नए type का spawner देखने को मिलेगा। And इन spawners का नाम होने वाला है trial spawners। इसके अंदर से basically random mobs निकलेंगे। मैं अभी तुम्हें वो mob दिखाना नहीं चाहता, वो तुम्हें मैं बाद में दिखाऊंगा। But बहुत ही cool mob add किया है इन्होंने। It's almost like Pokemon बनता जा रहा है माइनक्राफ्ट। एंड ये स्पॉनर तुम ढंग से देख ही सकते हो, पुराने वालों से ऑलरेडी इतना अमेजिंग लग रहा है। एंड इसी के साथ साथ आने वाले नए कॉपर के ब्लॉक्स जो कि ऑक्सीडाइज होने के बाद और भी अमेजिंग लगते हैं। लाइक एक चार कलर्स का शेड आता है इनमें एंड वो ऑब्वियसली ऑक्सीडाइज होने के बाद ही दिखेगा। बट ये जो स्ट्रक्चर्स होने वाले हैं ये तुम देख ही सकते हो ये कितने मैसिव है। एंड ये इतने ही नहीं, ये इससे भी ज्यादा मैसिव हो सकते हैं। तो ट्रायल चेंबर्स जो होंगे वो एकदम ही रैंडमली जनरेटेड होंगे, यानी कि ये जितनी बार जनरेट होंगे ये उतनी बार डिफरेंट होंगे। एंड यार ये तो कुछ भी नहीं है, ये इससे भी बड़े हो सकते हैं। बट अब अपनी नेक्स्ट चीज पे आते हैं विच इज ट्रायल चेंबर्स के अंदर तुम्हें बहुत सारी लूट मिलेगी, मतलब एकदम हद में लूट मिलेगी। एंड जो लूट होगी वो एकदम अमेजिंग तो होगी, लाइक दिस वन। इसमें देखते हैं क्या है। एंचेंटेड गोल्डन एप्पल और एक तुम्हें डायमंड का। ब्रो This is crazy. Yo! तो तुमने देख ही लिया है, मैंने randomly choose किया था। But तुम्हें loot की excitement में पागल नहीं हो जाना है, yes guys, क्योंकि trial chambers में जगह जगह पर traps बिछे हुए हैं। Yes, like look at this and this. And इनमें से basically निकलेंगे arrows जो कि तुम्हें fire charge। तो यार तुम्हें बच के रहना पड़ेगा। Basically इनमें sensors लगे होंगे, अपने आप sense कर लेंगे कि कोई तो आ गया हमें लूटने के लिए। And let's talk about these new blocks. एंड इस ब्लॉक का नाम होने वाला है टफ ब्लॉक। ओ बाय द वे, क्या मैंने तुम्हें बताया, जब ट्रायल स्पॉनर्स में से मॉब स्पॉन होंगे तो तुम उन मॉब्स को मार के एक रिवॉर्ड ले सकते हो जो कि तुम्हें इसके ऊपर मिलेगा। लाइक इसमें से लिमिटेड अमाउंट ऑफ मॉब्स स्पॉन होते हैं, तुम्हें बस सबको मारना होगा। बट यार इसमें से जो तुम्हें प्राइज मिलेगा वो इतना भी खास नहीं होता है, इससे बढ़िया तो तुम्हें आगे चेस्ट से मिल जाएगा। एंड यार वी वर टॉकिंग अबाउट दिस टफ ब्लॉक्स, एंड तुम इससे बना सकते हो टफ ब्रेक्स, चिजल टफ ब्लॉक्स। लाइक तुम ये पैटर्न देख ही सकते हो, ये बहुत ही प्यारा ब्लॉक एड ऑन हुआ है। एंड ट्रायल चेंबर्स की बात अभी भी नहीं खत्म, बट अब बढ़ते हैं हम अगली नई चीजों पे। लाइक अगर मैं ट्रायल चेंबर्स की तुम्हें नई नई चीजें दिखाने लग जाऊं ना, ये पूरी वीडियो उसी पे बन जाएगी। बट अभी और भी चीजें दिखानी है। यस, एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द न्यू मॉब जो कि स्पॉन होता है ट्रायल चेंबर्स में ही, ट्रायल स्पॉनर से। एंड दिस इज अ एयर टाइप मॉब एंड इस मॉब का नाम है ब्रीज। एंड ये दिखता है कुछ ऐसा। लाइक अगर तुम इसे ढंग से देखोगे तो ये एकदम देखो ऐसे गुस्से में देख रहा है। सो व्हाट आई वाज सेइंग इज ये एक एयर टाइप मॉब है। भाई माइनक्राफ्ट के मॉब्स की पोकेमॉन की तरह बात करनी पड़ रही है अब। और तुम्हें इस वाले मॉब में और माइनक्राफ्ट के एक और मॉब में काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज दिख रही होगी, जिसको हम ब्लेज बोलते हैं। एंड या दे आर क्वाइट सिमिलर, बट ब्लेज जो है वो फायर टाइप है एंड ये तुम्हें टॉर्नेडो की तरह उड़ा देगा। लाइक अगर मैं तुम्हें इसका अटैक दिखाऊं, ये देखो ये जंप भी करता है। ओके, वो 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 वो, ओके बहुत खतरनाक है। तो बेसिकली ये कुछ फेंक के मार रहा तुम्हें, ये देख सकते हो तुम। अरे बहुत दूर भी जंप कर रहा है वो। एंड ये जो चीज है इसे तुम वापस भी मार सकते हो जस्ट लाइक घास। ये देखो मैंने इसे मारा एंड ये उड़ गया। ब्रो तुम देख रहे हो कितनी लंबी लंबी जंप ले रहा है। ओके ये चीज बहुत इंटरेस्टिंग है कि तुम उस चीज को वापस फेंक सकते हो।
ओह नो, इसने हवा में उड़ा दिया, इससे पहले मैं मर जाऊं। तो यस तुमने देखा, एंड अगर तुम इसे जितनी बार अटैक करोगे ना, इसका जो आईब्रो है ऐसा कहते हैं कि ये और ज्यादा ऐसे गुस्सा होता जाएगा। तो यार इसको गुस्सा चढ़ाने में बड़ा मजा आएगा हमें। एंड एज ऑफ नाउ इसको मारने से कुछ मिलता तो नहीं है, बट मे बी जब एक्चुअल वाला अपडेट रोल आउट हो तो शायद एड ऑन कर दें। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट ब्यूटीफुल थिंग जो कि आने वाली है इस अपडेट के साथ, जो कि है कॉपर से बनी हुई। आई थिंक सो माइनक्राफ्ट इस वाले अपडेट में कॉपर का सारा इस्तेमाल कर लेंगे, जो भी उनको क्रिटिसिज्म मिल रहा था कि क्या पता नहीं यूजलेस चीज एड ऑन कर दिया ब्ला ब्ला ब्ला। एंड दिस वन इज कॉपर। ब्रो तुम देख सकते हो कितनी सारी चीजें, वो ये तो मैंने देखा ही नहीं, दिस इज सो गुड। वो होल्ड अप, मुझे सारी चीजें दिखानी पड़ेगी तुम्हें। एग्जैक्टली। अब अगर मैं यहाँ पे एक टॉर्च लू और मैं इसे यहाँ पे लगाऊ तो ये बल्ब करेंगे ग्लो। एंड तुमने एक और चीज नोटिस की होगी की ये वाला काफी ज्यादा ग्लो कर रहा है, एंड एंड तक जाते जाते काफी डल हो जा रहा है। एंड ये हो रहा है इनके ऑक्सीडेशन लेवल की वजह से, जिसको तुम एक्स लेके भी ठीक कर सकते हो। ये देखो, एंड ये हो गया है फुल्ली नॉर्मल। ओके, मुझे अभी तक सच बताऊं तो ये शेडिंग वाली चीज काफी कूल लगी है, इससे बहुत सारे बिल्ड बन सकते हैं, एंड आई होप सो बनने भी चाहिए। एंड सिर्फ कॉपर की नहीं, जो नए ब्लॉक एड हुए हैं टफ ब्लॉक्स, उसकी भी बहुत सारी वैरायटीज है। तुम एक कॉपर की वैरायटी देख सकते हो, भाई कितना प्यारा ब्लॉक है। लेट्स गो मैन, इस वाले माइनक्राफ्ट अपडेट में मजा आ जाएगा, फिंगर्स क्रॉस। ऑल्सो जो नेक्स्ट चीज होने वाली है वो तुम्हारे और मेरे जैसे पेट लवर्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था माइनक्राफ्ट में। थैंक यू सो मच माइनक्राफ्ट इसको ऐड करने के लिए। एंड दिस इज बेसिकली अ वुल्फ आर्मर। यस लेडीज एंड जेंटलमैन, बट वेट लेट मी ट्राई, क्या ये कैट पे जाएगा? ओह नो, नहीं जाएगा, ऑब्वियसली वो वुल्फ आर्मर है। तो यस तुम्हें पता ही होगा, हमारे बेचारे डॉग्स हमारे साथ कहीं पे जाते थे तो उनको मार दिया जाता था बड़ी बुरी तरीके से, लेकिन विद दिस वुल्फ आर्मर तुम इन्हें ये, अरे पहन लो भाई। ओके, मुझे पहले से टेम कर लेना चाहिए। हेलो दोस्त, टेम हो जाओ। थैंक यू। एंड फिर मैं इसे पहना सकता हूँ। वो भाई, दिस इज लुकिंग लाइक अ नेजराइट का आर्मर लाइट। कितना क्यूट लग रहा है डॉगी। एंड तुम जब ऐसे अपने पेट के साइड में नेजराइट का आर्मर पहन के खड़े होगे, कितने अमेजिंग लगोगे। दिस थिंग इज प्रीटी यूजफुल, एंड ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ भी देता है, जस्ट ऐसे दिखावे के लिए नहीं है ये। थैंक यू सो मच माइनक्राफ्ट फॉर एडिंग दिस। थैंक यू। अब कैट्स के लिए भी ऐड कर दो प्लीज। एंड तुम्हें पता ही होगा आयरन के डोर्स एंड ट्रैप डोर्स होते थे, लाइक दीज वर द ओनली मेटल डोर्स इन माइनक्राफ्ट। बट माइनक्राफ्ट में सिर्फ ये अकेला मेटल नहीं है, एक और मेटल होता है कॉपर। एंड जब कॉपर नया नया आया था ना, तो मैं सोच ही रहा था यार तुमने कॉपर डाल दिया, कॉपर का डोर तो डाला नहीं, डोर भी तो बना सकते थे तुम। एंड शायद से माइनक्राफ्ट ने इस बार मेरी सुन ली, क्योंकि कॉपर के डोर्स और ट्रैप डोर्स भी हो चुके हैं ऐड। एंड ये सिर्फ एक ही कलर में नहीं होएगा, ये जैसे जैसे ऑक्सीडाइज होता रहेगा वैसे वैसे अपने शेड चेंज करता जाएगा। आयरन का तो क्या, डल सा व्हाइट व्हाइट दिखता रहता है बस। नहीं भाई, आयरन डोर तूने बहुत हेल्प किया, आई एम सॉरी। एंड तुम्हें इन दोनों डोर्स का पैटर्न थोड़ा डिफरेंट भी लग रहा होगा, ये बहुत अच्छी चीज किया है माइनक्राफ्ट ने, लाइक सेम आयरन डोर जैसा पैटर्न नहीं रख दिया। इसका विंडो का पैटर्न भी, एंड इसका ओवरऑल पैटर्न भी बहुत ज्यादा, इसका लॉक पैटर्न भी बहुत ज्यादा डिफरेंट है। ऑल्सो कमिंग बैक टू ट्रायल चेम्बर्स, मैंने तुम्हें एक मेन चीज तो बताई नहीं जो कि नेक्स्ट टू बिलीवेबल है। एंड इस अपडेट में तुम्हें ट्रायल चेम्बर में मिलेगी एक की, अगर तुम ढंग से ढूंढोगे तो। वो बैरल में भी सामान मिल रहा है यहाँ पे, तो मेरे को एक बार की ढूंढने दो बस। ओके, उस की को ढूंढना इतना आसान नहीं होने वाला है, लेकिन वो की दिखेगी कुछ ऐसी ट्रायल की। ब्रो उसके ऊपर स्कल बना हुआ है क्या, ये कितनी खतरनाक की लग रही है। ओके, सो फार दिस इज अमेजिंग, बट तुम सोच रहे होगे इस की का यूज क्या होगा। एंड तुम्हें इस की से मिलेगी एंट्री टू अ सीक्रेट रूम, जो कि अभी ज्यादा डिस्क्लोज तो नहीं हुआ है, बट ये एक्चुअल अपडेट आने के बाद तुम्हें पता चलेगा। ब्रो यहाँ पे ट्री है, व्हाट? एंड मुझे अभी बेड भी दिखा था यहाँ पे, बेड। भाई दिस इज रियली लैगी, दिस इज रियली लैगी। माइनक्राफ्ट ये वाला अपडेट हजम नहीं कर पा रहा है। सो यार दिस की थिंग इज रियली अमेजिंग। चलते अपनी नेक्स्ट चीज पे। ऑलराइट, तो ये जो नेक्स्ट चीज है ये हमारे रेडस्टोन एंथुसियास्ट्स के लिए बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है। तो तुम्हें माइनक्राफ्ट का क्राफ्टिंग टेबल तो पता ही होगा, राइट? नॉर्मल क्राफ्टिंग टेबल जिससे हम चीजें क्राफ्ट करते हैं, लाइक इसके बिना कुछ नहीं हो सकता है ना, इसके बिना माइनक्राफ्ट माइनक्राफ्ट ही नहीं है। बट अब तुम माइनक्राफ्ट के नए अपडेट में, आई मीन टू से माइनक्राफ्ट के 1.21 वर्जन में इससे नहीं क्राफ्ट कर पाओगे, आई मीन हाँ कर लोगे, बट यस कुछ नई चीज आई है जिसका नाम है क्राफ्टर। एंड ये दिखता है कुछ ऐसा। अब तुम सोच रहे होगे ना, लाइक इसका यूज कैसे होता है ना, ये तो नॉर्मल क्राफ्टिंग टेबल जैसा ही काम करता होगा है ना, बट नहीं, इसको यूज में लाने के लिए तुम्हें रेडस्टोन की चीजें यूज करनी पड़ेगी। तो फॉर एन एग्जांपल मैं यहाँ पे थोड़े बहुत गोल्ड के इंगट्स ले लूंगा एंड एप्पल ले लूंगा, एंड तुम्हें तो पता ही है रेसिपी गोल्डन एप्पल कैसे बनता है। ओके, मुझे सारे भरने पड़ेंगे। एंड यार क्राफ्टर का ओवरव्यू कुछ ऐसा दिखता है, बट अगर तुम यहाँ पे क्लिक करोगे तुम्हें नहीं मिल रहा गोल्डन एप्पल, राइट? मिल जा, हो लॉक हो गया। तो क्या मतलब क्राफ्टर ने तुम्हारा गोल्ड और एप्पल छीन लिया? नहीं, इसका मतलब है कि अगर तुम्हें ये चाहिए तो इसको दबाने का,
एंड गोल्डन एप्पल मिल जाने का। तुम देख सकते हो इसके सामने ए दो आंखें और एक मुंह सा बन रहा है से, ओ, तो यस तुम्हें से बहुत बार दबाना पड़ेगा तब निकलेगा ये। एंड आई थिंक सो जो रेडस्टोन की चीजें बनाते हैं उन्हें इससे आइडिया भी मिल गया होगा उन्हें क्या बनाना है इससे। और मुझे लगता है ये यूजफुल भी हो सकता है, यूजलेस भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। बट यस, मेन अपडेट आने के कुछ दिन बाद ही पता चलेगा इसका कितना यूज है। एंड तुम्हें माइनक्राफ्ट के पॉट्स के बारे में तो पता ही होगा, लाइक वो काइंड ऑफ यूजलेस ही थे एंड तुम्हें उनको एक एक करके रखना पड़ता था अपने हॉट बार में, तुम उनको स्टैक नहीं कर सकते थे। बट इन दिस न्यू अपडेट तुम इनको स्टैक भी कर सकते हो, ये देख रहे हो 64। एंड सिर्फ स्टैक ही नहीं, तुम इसके अंदर अब चीजें भी स्टोर कर सकते हो। यस, तो मान के चलो अगर तुम्हें अपने डायमंड्स छुपाने हैं, तुम बस डायमंड्स हाथ में लो एंड इसके अंदर डालते जाओ। क्या इसके अंदर जा रहे हैं? ब्रो क्या कूल एनिमेशन है भाई, तुम ये देख रहे हो, पहली बार ऐसा कुछ देख रहे हम। एंड अगर मैं इसे तोड़ूंगा तो ये टूट भी जाएगा एंड मुझे इसके अंदर से डायमंड भी मिलेंगे। बट यस, तुम्हें डायमंड निकालने के लिए इसे तोड़ना ही पड़ेगा, वो एक डाउन साइड है, ऐसे हाथ डाल के नहीं निकाल सकते। लेकिन हाँ, कीमती चीजें छुपाने के लिए काफी बढ़िया चीज है। मेरे को एनिमेशन बड़ा पसंद आ रहा है। एंड जो नेक्स्ट अपग्रेडेशन होने वाला है इस अपडेट में वो काफी ज्यादा क्यूट है एंड दैट इज रिलेटेड टू बैट्स। तो बैट्स का लुक एंड ओवरऑल एनिमेशन दोनों चीजें चेंज हुई है। एंड अगर मैं तुम्हें लुक दिखाऊं तो पहले तो तुम एनिमेशन नोटिस कर रहे होगे शायद, जिनको पुराने वाले एनिमेशन पता है उसमें ऐसे फ्लैप 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 करते थे बहुत जोर की, बट इस वाले में ऐसे फ्लैप 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 कर रहे हैं। यार कैसे समझाना पड़ रहा है मुझे तुम्हें। एंड ऑल्सो तुम इनके ईयर्स भी देख सकते हो, काइंड ऑफ वॉयलेट कलर के हैं एंड इनकी आंखें भी काफी ज्यादा क्यूट क्यूट सी है। ये देखो इनके ईयर्स बड़े से कर दिए इन्होंने। अरे रुक जा यार, दिखाने दे तेरे को, कहीं टिक जा। ये देखो, यस ये देखो दिखा होगा तुम्हें। एडिटर भाई एक स्क्रीनशॉट लगा देना प्लीज कान के इसके, कोई बढ़िया सा पोज जब ये दे रहा होगा। तो यस तुम देख ही सकते हो इसकी अपीयरेंस चेंज हुई है। एंड मैं सच बताऊं तो मुझे इसकी एनिमेशन काफी ज्यादा अच्छी लग रही है अब, दिस इज लुकिंग अ मोर रियलिस्टिक। एंड विद दिस आज की वीडियो का सिलसिला ये पे खत्म होता है। आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दिस अपडेट। मुझे भी प्लीज कमेंट्स में बताना तुम्हारी फेवरेट चीज क्या थी। एंड या दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो, वेट फॉर द नेक्स्ट वन, टिल देन पीस आउट। बीट पे गदर मचेगा खटेगा, ये पिज्जा सब में बटेगा, बनेगा सीन जो तूने ना देखा बोलेगा, स्वैर चल जाने दे बेटा। अरे बस कर भाई।